और लौंडे क्या हालचाल, तुम्हारा भाई है यूरोप में, यहाँ पे भी कर रहा है प्रॉब्लम सॉल्व। अब आते हैं आज की प्रॉब्लम पे। लड़का लिखा यार मेरे को चेंज से मेरी बहुत फटती है, मैं चेंज मतलब कॉइन की चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कोई भी नया चेंज आ रहा तो मेरी फट जाती है, मैं कैसे उसे एडजस्ट करूँ। ये प्रॉब्लम बहुत भारी मात्रा में बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है भाई, कि आपकी लाइफ में चेंज आया है, आपको पता नहीं आप क्या करें, आप कंफर्ट जोन पा चुके हैं किसी चीज़ में, आप बैठे हुए हैं, आप किसी ऑफिस में हो, आप स्कूल में हो, आप अपने घर में, कई लोग होते हैं उस चेंज से डरते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिलियरिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिलियरिटी मतलब क्या होता है, आप जिंदगी में कोई भी चीज़ से दो सेकंड नहीं कहूँगा, आई एम सो सॉरी, बहुत जल्द ही फेमिलियर या कम्फर्ट जोन बना सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज स्पेंड सम टाइम इन इट, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम विद माई पर्सनैलिटी, जिसमें उस चीज़ से फेमिलियर हो जाती है और तुम रियलाइज करते हो कि अब ये तुम्हारी चीज़ तुम्हें स्केयर नहीं करती, कोई भी इसका कोई एस्पेक्ट नहीं है तुम्हारी इस नई जो जगह में तुम जहाँ जा चुके हो, अब वो तुम्हें फ्राइटन कर रहा है या अनकम्फर्ट डिसकम्फर्ट प्रोवाइड कर रहा है। जब ये चीज़ ख़त्म हो जाती है तो आप फेमिलियर हो चुके होते हो उस चीज़ से और वो चीज़ आपको परफेक्टली आपके लिए बनी होती है। तो आप ये समझो इससे कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लिटरली कोई स्ट्रीट नहीं है, समझ रहे हो, ना कोई ऐसी जगह है, ना कोई ऐसी पोजीशन है, ना कोई ऐसा ऑफिस है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना कोई कंट्री है या सिटी है जिससे आप फेमिलियर नहीं हो सकते और नहीं होगे, आप होगे बस ऑल दैट यू नीड टू डू इज स्टेप इनटू इट, उस चीज़ में घुस जाओ। आप डरोगे स्टार्टिंग में, थोड़ा सा फील करोगे कि आप शायद बिलोंग नहीं करते हो यहाँ पे, वो नॉर्मल है यार, वो सबके साथ होता है। जो बहुत कॉन्फिडेंट लोग भी हैं ना, वो भी एक्टिंग कर रहे हैं। मैं आपको एक सच बताता हूँ, उनके साथ सीन क्या होता है, जो बहुत ही सिक्योर होते हैं जैसे मैं एक्चुअल में हूँ वैसा, तो हम क्या होता है, हमें सिचुएशन में अपने किसी भी जो अनफेमिलियर सिचुएशन में डाल दो तो हमें अपने आप को मैनेज करना आता है। तो ऐसा नहीं है हम अंदर से डर ही नहीं होता, हमें समझ नहीं आ रहा, बस हम बाहर से दिखाते नहीं हैं। जब तक हम फिगर आउट ना कर लें तो हम क्या करते हैं, थोड़े से थम जाते हैं, थोड़े से क्वाइट हो जाएंगे, बट वी फोकस ऑल आवर एनर्जी इन फिगरिंग आउट कि हमारी सराउंडिंग्स क्या डिमांड कर रही है हमसे, क्या सीख कर रही है। तुम क्या कर रहे हो, तुम जब एक नई सिचुएशन में जाते हो तो तुम्हारा वो डर एविडेंट हो जाता है, वो दिखने लग जाता है, वो सबको दिख रहा है और वो तुम शेयर भी कर रहे हो कि यार यहाँ तो मेरी फटी हुई है, यहाँ मुझसे काम नहीं हो पा रहा, यहाँ मैं चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हें किस चीज़ का जो डर है, वो असल में वो डर है ही नहीं, ये झूठ है, एक झूठ है जो तुम अपने आप से बोल रहे हो मेरे दोस्त। दूसरी चीज़, तुम्हें एक नई चीज़ इनकॉर्पोरेट करनी है अपनी पर्सनालिटी में, वो है टू टेक चांसेस, या टेक चांसेस, गो आउट, लिव द यूनिवर्स, यू नो, डू थिंग्स ऑन योर ओन। और जैसे मैं अभी यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ यूरोप में, यार लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ की चूत, आई एम यूजिंग द अपॉर्चुनिटी, टेकिंग दिस सिचुएशन एंड मेकिंग द बेस्ट ऑफ इट, ठीक है, टू माई एडवांटेज, क्योंकि मैं बाहर आया हूँ, दैट डजंट मीन आई शुडंट बी वर्किंग, यू शुड ऑलवेज बी वर्किंग, शुड ऑलवेज गो आउट and seize the opportunity wherever it may present you, wherever it may find you, not present itself to you. Start karo to throw yourself out there, to take chances. Karo. Theek hai bhai, nayi job mili hai, main yahan comfort zone pe aa gaya hu, main kya adjust kar paunga, main kya usme, just a second, main kya uske liye बना हूँ, ये सब सोचते सोचते तुम क्या करोगे, अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। मैं इस शहर में सही हूँ यार, मैं अपने घर में बहुत सही था, मैं अपने घर से नहीं निकल सकता, मुझे होम सिकनेस हो रही है, सब चीज़ें क्या हैं, दिस इज ऑल फेमिलियरिटी बेसिकली रिस्ट्रिक्टिंग यू एंड यू नीड टू ब्रेक योर सेल्फ आउट ऑफ दीज चेन्स, ये मेंटल चेन्स जो हैं तुम्हारी। अपने आप को इस दुनिया में जितनी भी चांसेस मिल रही हैं और जो नहीं भी मिल रही हैं, द चांसेस दैट यू डोंट गेट, पुट योर सेल्फ आउट देयर, एक जिंदगी है, एक जिंदगी है बहनचोद। एक चीज समझो अपनी जिंदगी में, म्यूटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, म्यूटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज ऑफन अराइज आउट ऑफ म्यूटेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। सो फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी लाइफ में तुम्हें एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, अब उसके पास वापस ऑप्शन आता है यार इंटरव्यू पे जाने का, तुम कहते हो यार मुझे चाहिए नहीं, मेरी जॉब अच्छी खासी है, लेकिन क्या करना, ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज़ इसको कोई लिटरली मत लीजिएगा आप, लेकिन आप चले जाते हो फलाना, उन्होंने कहा चलो एक एक्सपीरियंस ही तो है, दैट्स अ वेरी गुड मोटिवेशन अपनी जिंदगी में, जब भी आप ये कहते हो दैट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस,
लेट्स फकिंग हैव इट, ठीक है? तो आप उस एक्सपीरियंस के लिए चले जाते हो, एंड वाइल हैविंग एक्सपीरियंस व्हाट हैपेंस इज आपका वो जॉब नहीं मिलती, बट यू फाइंड और मीट अ पर्सन जिससे आपको एक थर्ड, यू गो ऑन अ थर्ड ट्रेजेक्टरी जिंदगी में. हो सकता है आपको तीसरी चीज़ ऐसी मिल जाए वहाँ पे जिससे आपकी ज़िंदगी पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाए. कोई कॉन्टैक्ट हो सकता है, वो इंसान हो सकता है, कोई जॉब ऑफर हो सकता है. ये बहुत होता है यार. तो कंफर्ट जोन से निकलना जितनी, देखो यहाँ एक छोटा सा रूल है मेरा यार, मैं आप लोग से शेयर करता हूँ. मैं वो हर एक्सपीरियंस करने को तैयार हूँ जो मुझे पहली चीज़ या तो हार्म नहीं कर रहा, दूसरी मेरी इट इज़ नॉट आस्किंग मी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन अ मॉरल लेवल. तो मेरे कुछ मॉरल कोड्स हैं, एज लॉन्ग एज एनी एक्सपीरियंस दैट डिमांड्स अ कॉम्प्रोमाइज ऑन माई मॉरल कोड्स, आई विल नॉट डू इट. सेकेंड, आई विल नॉट डू एनीथिंग दैट ऑब्वियसली हार्म्स मी, क्योंकि भाई सेल्फ हार्म कौन चाहता है, राइट? सो एनी एक्सपीरियंस बेसिकली उसके अलावा, दैट इज जस्ट एन एक्सपीरियंस, आई डू इट. इट्स अ ग्रेट वे ऑफ लिविंग लाइफ. आप क्या कर रहे हो? आप चीज़ें डिस्कवर कर रहे हो. कितनी चीज़ें मिलती हैं यार, कितनी चीज़ें हैं, कितने एक्सपीरियंसेस, कितना कुछ. अब मैं जहाँ हूँ, मैं मुझे पता भी नहीं मैं इस वक्त कहाँ हूँ. मैं बस घूम रहा हूँ. I'm just roaming about. I don't even know where I'm going. But it's good, yaar. Kya hoga? I will not die. I will not die. I will turn out alive at the end. So I'm cool with it. I'm going to fucking walk. I'm going to travel. I'm going to see things. And I'm going to experience reality as much as I can. Kya pata kya hoga, yaar, abhi aage. Video ban raha hai. Kaam to ho raha hai na. Aise dekho. To apne aap ko jitni bhi situation mein put kar pao. I don't know. Ho sakta main itni dhang se aaj एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं चल भी रहा हूँ, मैं थक भी गया हूँ काफ़ी. जितना भी एक्सपीरियंसेस ले पाओ, जितना भी चीज़ें कर पाओ अपनी ज़िंदगी में, करो दोस्त. बढ़िया है, एक्सपीरियंसेस आर गुड. कंफर्ट जोन में मत बैठो. कंफर्ट जोन इज लिटरली द डेथ ऑफ आइडियोलॉजी, द डेथ ऑफ एक्सपीरियंस एंड द डेथ ऑफ एक्शन. ओके, सो अपने आप को निकाल पाओ कंफर्ट जोन से, निकालो और ज़िंदगी जियो यार. ठीक है दोस्त, चल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग कह लो उसको, या कुछ भी कह लो. मिलते हैं दोस्त, ठीक है? और कोई नई प्रॉब्लम पे बात करेंगे. चल भाई, बाय बाय.